प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की श्री रूप गोस्वामी जी की श्री रूप गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथपुरी में मिलने जाते हैं और वहाँ वसित बकुल में हरिदास ठाकुर के यहाँ रुकते हैं। तो महाप्रभु ने उनसे पूछा कि तुम किस प्रकार की पुस्तक लिख रहे हो। तो उन्होंने एक ताड़पत्र उठाया जो कि पांडुलिपि का एक पन्ना था। जब महाप्रभु ने सुंदर हस्तलिपि देखी तो उनका मन अतीव प्रसन्न हो गया। इस तरह प्रसन्न होकर महाप्रभु ने यह कहते हुए लिखावट की प्रशंसा की कि रूप गोस्वामी की हस्तलिपि मोतियों की पंक्तियों की तरह है। उस हस्तलिपि को पढ़ते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पृष्ठ पर एक श्लोक देखा और जो ही उन्होंने उसे पढ़ा वे भाव में प्रेम से अभिभूत हो गए। वो श्लोक है, तुंडे तांडा वनी रतिम वितुनते तुंडा वली लब्धये कर्ण क्रोड कडम बनी घट्यते कर्णार्बुदेभ्यं से प्रिहां चेता प्रांगण संज्ञनी विज्यते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नोजा ने जनिता क्रियाद्भि अमृते कृष्णो तु वर्णद्वये। इसका अनुवाद है, मैं नहीं जानता हूँ कि कृष्ण के दो अक्षरों में कितना अमृत उत्पन्न किया है। जब कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण किया जाता है तो यह मुख के भीतर नृत्य करता प्रतीत होता है। तब हमें अनेका अनेक मुखों की इच्छा होने लगती है। जब वही नाम कानों के छिद्रों में प्रविष्ट होता है तो हमारी इच्छा करोड़ों कानों के लिए होने लगती है। और जब यह नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है तो तब यह मन की गतिविधियों को जीत लेता है जिससे सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने यह श्लोक पढ़ा, श्लोक सुनि हरिदास हईला उल्लासी नाचिते लागिला श्लोकेर अर्थ प्रशंसी। चैतन्य महाप्रभु ने जब श्लोक पढ़ा तो हरिदास ठाकुर उस ध्वनि को सुनकर अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे तथा इसके अर्थ की प्रशंसा करते हुए नाचने लगे। कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जानी नामेर माधुरी ऐछे कहाँ नहीं सुनी। भगवान के नाम के सौंदर्य और उसकी दिव्य स्थिति को भक्तों के मुख से ही प्रमाणिक शास्त्रों का श्रवण करके सीखना होता है। हम अन्यत्र कहीं भी भगवान के पवित्र नाम की मधुरता को नहीं सुन सकते। तो आज रूप गोस्वामी पाद से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी भी हरि नाम में इतनी रुचि हो कि हम इस प्रकार की इच्छा प्रकट करें कि हमारे करोड़ों करोड़ों मुख हों और लाखों लाखों कान हों और हमें भी कृष्ण का नाम अमृत के समान प्रतीत हो। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय।